जादुई मेकअप किट का तूफान। बहुत समय पहले की बात है, कानपुर नामक एक गांव जहां गुड्डन बहुत हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ रह रही थी। गुड्डन की मां गीता और पिता गणेश दोनों ही बहुत अच्छे थे। गुड्डन के माँ बाप गरीब थे, लेकिन वो गुड्डन को बहुत प्यार से पाल रहे थे। गुड्डन के माँ बाप कानपुर में चूड़ी बनाने का काम करते थे। गुड्डन हमेशा से बहुत शौकीन किस्म की लड़की थी, जिसे हमेशा तैयार होने का शौक रहता था और माँ बाप की हाथों की बनी चूड़ियाँ पहनने का बहुत ही ज्यादा शौक था। ऐसे ही गुड्डन के माता पिता चूड़ी बेचते बेचते ही अपना घर चला रहे होते हैं। गुड्डन के घर में गरीबी इतनी होती है कि कभी कभी तो वो लोग बिना खाए पिए सोया करते हैं। गुड्डन हमेशा से अपने आप को सजाने सवारने की बातें करती रहती थी। ऐसी ही एक दिन गुड्डन स्कूल से आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे स्कूल में एक फंक्शन है जिसमें मुझे तैयार होकर जाना है, क्या आप मेरे लिए नई नई चूड़ियाँ बना देंगी और मेरे लिए पिताजी से एक अच्छी सी फ्रॉक मंगवा देंगी? बेटा मैं चूड़ी तो बनवा दूंगी, लेकिन तुझे तो पता है इस गरीबी में मैं तेरे पिताजी से कैसे कह दूं कि वो फ्रॉक लेकर आए, और फिर तेरे स्कूल में फंक्शन तो होते ही रहते हैं, हम कब तक ऐसे ही खर्चा करते रहेंगे? माँ स्कूल की सभी लड़कियाँ अपने अपने घर से तैयार होकर आएंगी और फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा ठीक है बेटा, तेरा फंक्शन अभी बहुत दूर है, मैं एक बार ही तेरे पिताजी से बात कर लूंगी, अगर वो आसानी से तेरे लिए फ्रॉक लेकर आ सकते हैं तो वो ले आएंगे, वरना फिर तो इस बार फंक्शन में पार्टिसिपेट मत करना। अपनी माँ की बातें सुनकर गुड्डन चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज्यादा उदास होती है। इसके बाद वो अपने पिता के आने का इंतजार कर रही होती है और पूरे दिन घर के बाहर खेलती रहती है। शाम होते ही उसके पिता घर आ जाते हैं और तभी गुड्डन आके तुरंत अपने पिता के सामने बैठ जाती है और कहती है, पिताजी स्कूल में एक फंक्शन है और मुझे अपने लिए फ्रॉक चाहिए, और आप मेरे लिए एक चूड़ी का सेट बना दीजिए ना। अरे वाह, स्कूल में फंक्शन है तो मेरी लाड़ो को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ पिताजी, माँ तो हमेशा मुझे मना कर देती है कि गरीबी है गरीबी है, यही कहती रहती है, लेकिन कभी भी मुझे तैयार करके स्कूल नहीं भेजती। सुबह से आपकी बेटी जिद करके बैठी है कि उसे तैयार होकर स्कूल में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन ये हमारी इस गरीबी के बारे में कभी समझती ही नहीं है, पता नहीं कब तक ये नादान रहेगी। मैं ले आऊंगा भाग्यवान, तुम क्यों इसको मना करती रहती हो? कोई बात नहीं, इस बार इसको पार्टिसिपेट कर लेने दो, अगली बार से ये पार्टिसिपेट नहीं किया करेगी। गुड्डन के पिता फ्रॉक लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुड्डन अपने पिता की बात सुनकर बहुत खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। कुछ दिनों बाद गुड्डन के स्कूल में फंक्शन होता है और अपने पिता की हाथ की बनाई हुई चूड़ियां पहनकर जाती है। गुड्डन बहुत खुश होती है। गुड्डन को खुश देखकर उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं। स्कूल के सभी बच्चे तैयार होकर अपने अपने घर से रास्ते में जा रहे होते हैं। सभी को इतना अच्छे से तैयार देखकर गुड्डन की माँ के मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं। मेरी बेटी तो अभी छोटी है, तब भी इसे कितने खर्चे हैं, मैं कैसे इसको आगे समझा पाऊंगी? स्कूल के तो सभी बच्चे इतना तैयार होकर आए हैं, मुझे लगता है कि इसी तरह इस स्कूल में पढ़ती रही तो इसके शौक बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और हम उन शौक को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्यों ना मैं उसका स्कूल ही चेंज कर दूं। गुड्डन की माँ उसको स्कूल पर छोड़ आती है, जिसके बाद गुड्डन अपने स्कूल में सभी बच्चों के साथ खड़ी होती है कि तभी एक ज्योति नाम की बच्ची गुड्डन से कहती है, तू तो हमेशा सिंपल से तैयार होकर आ जाती है, मुझे लगता है कि तुझे तेरी माँ जबरदस्ती तैयार करके भेज देती है। मैं तो सिंपल तैयार नहीं हूँ, एक बार अपने आप को देख, तू कैसे तैयार है? ए ज्यादा सर पर मत चढ़, चार चूड़ियाँ क्या पहन ली, तो ये मत सोच कि सिर्फ तू ही तू है।
मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना महंगा फ्रॉक लाए हैं, तो मैं बुराई कैसे सुन लूं? गुड्डन और गुड्डन की दोस्त की ये सब बातें हो रही होती है कि तभी उनकी टीचर सभी बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए बुला लेती है। उसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे देते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने क्लास में चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं और उसमें गुड्डन की टीम जीत जाती है और अपनी जीत की खुशी में गुड्डन बहुत खुश होती है और घर जाते ही सबसे पहले अपनी माँ को बताती है। माँ देखो, मैं जीत गई, मैं जीत कर आई हूँ। आप तो मुझे खामखा पार्टिसिपेट करने से मना कर रही थी। देखो मुझे 500 रुपए मिले हैं। अरे वाह, मेरी बेटी 500 रुपए लेकर आई है और जीत कर भी आई है, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये 500 रुपए अपने पिताजी को दे देना। हाँ हाँ, मैं अपने पिताजी को ही दूंगी, मेरी पहली कमाई जो है। शाम को गुड्डन के पिताजी घर आते हैं और गुड्डन अपने पैसे अपने पिताजी को दे देती है और ये सब देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद सभी खाना खा पीकर सो जाते हैं। अगले दिन गुड्डन को स्कूल जाना होता है और वो तैयार होकर अपने स्कूल जाती है। स्कूल पहुंचकर गुड्डन को 4 लड़कियां रोक लेती है और कहती है, ये देखो आ गई झुग्गी झोपड़ी वाली, जिसकी वजह से कल हम हार गए और आज मौका मिला है, इसको अच्छे से पीट देती हैं। कल तो ये ऐसे घूम रही थी जैसे पूरे स्कूल में सुंदर यही दिख रही हो, क्योंकि इसने वो 4 चूड़ियां जो पहन रखी थी, इसके पिताजी का चूड़ी बनाने का काम है, इसके लिए वो 4 चूड़ियां पहनना कौन सी बड़ी बात है। हम तो अच्छे घराने से आते हैं और हमारे यहाँ ये चूड़ी बूड़ी पहनने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो ये वैसे भी चूड़ी पहनकर औरत ही लग रही थी। तुम सही कह रही हो, हमें इसकी बहुत पिटाई लगानी चाहिए, क्योंकि इसने ही हमारी परफॉर्मेंस भी काट दी। इसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही हमारी परफॉर्मेंस कम अच्छी दिख रही थी। तुम सबने बोल लिया हो तो मैं बोलूं, सबसे पहली बात मैं भी तुम लोगों की तरह ही हूँ। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से तुम मेरी पिटाई करो। और फिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने अपनी परफॉर्मेंस दी, मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी, वो तो टीचर्स को जो पसंद आएगा वही तो जीतेगा ना। और मेरी टीम को भी टीचर नहीं सिखाया था, तुम्हारी टीम को भी टीचर नहीं सिखाया था, इसमें मेरी क्या गलती है। और रही बात चूड़ियों की, तो मुझे शौक है तो मैंने पहन ली, और मेकअप की तो तुम्हें पता ही है कि बचपन से मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है। तभी तो हम तुझे पीटना चाहते हैं, ताकि ना तेरा चेहरा साफ रहेगा ना तो मेकअप कर पाएगी। अरे अब तुम सब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मारो इसको। स्कूल की लड़कियां जलन में आकर गुड्डन को बहुत मारती है, जिसके बाद गुड्डन बेहोश हो जाती है और यह सब देखकर स्कूल की टीचर उसे सीधा ही अस्पताल लेकर जाती हैं और वहां उसका ट्रीटमेंट कराती हैं। गुड्डन के माता पिता को पता चलने के बाद तुरंत ही वो लोग अस्पताल में आते हैं और फिर अपनी बेटी का हाल चाल पूछते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये स्कूल के बच्चों ने किया है और फिर वो गरीब होने की वजह से कुछ नहीं कर पाते और अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही गुड्डन की माँ गुड्डन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी देखरेख करती है, जिसके बाद गुड्डन बताती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया माँ, ना ही मेरी गलती थी, मैं तो अपने शौक पूरे करके गई थी, मुझे तैयार होना पसंद है, मैं तैयार होकर गई थी, मुझे चूड़ियाँ पहनना पसंद है, मैं चूड़ी पहनकर गई थी, लेकिन अमीर खानदान की लड़कियों ने मुझे बहुत मारा। बेटा तुम्हें पता नहीं है, हम गरीबों के साथ ऐसा ही होता है, ना तो हम अपने घर में खुशियाँ मना सकते हैं और ना ही अच्छे ढंग के कपड़े पहन सकते हैं, हम तो पहले ही गरीब है और तेरे पिताजी तो वैसे भी चूड़ियों का काम करते हैं, इससे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी गरीबी है, लेकिन फिर भी लोग हमसे जलते हैं। और तू तैयार होकर गई, तूने 4 चूड़ियां पहनी, इसलिए अमीर खानदान की लड़कियां तुझसे कम अच्छी दिख रही थी, जिस वजह से उन्होंने तेरे साथ ऐसा किया। लेकिन कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, आगे से मैं तुझे किसी भी परफॉर्मेंस में तैयार करके नहीं भेजूंगी। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर गुड्डन बहुत हैरान होती है कि गरीब होना इतना बुरा है क्या, जो उसे तैयार होने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर गुड्डन भी समझ जाती है कि ये सब अमीरों के चोचले हैं, जो गरीब को खुश देखने के बाद अपना पारा रोक नहीं पाते
और तुरंत उसकी खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं। गुड्डन ये सारी बातें सुनकर बहुत उदास होती है और फिर अपनी जिंदगी एक नॉर्मल तरीके से जीने लगती है और अपने माँ बाप की चिंता में रहती है और फिर शौक करना भी बंद कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद गुड्डन के घर में बहुत गरीबी आ जाती है और वो कई बार भूखे ही सोते हैं। यह सब देखकर गुड्डन कई दिनों तक परेशान रहती है और फिर एक दिन भूखे पेट ही घर से बाहर निकल जाती है। तभी चलते चलते वो एक तूफान का सामना करती है और अचानक ही वो घबरा जाती है। अरे, इस तूफान को भी अभी आना था और मैं क्या करूं? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं इस तूफान से कैसे बचूं? मेरे माता पिता चिंता कर रही होंगी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसी हूँ। गुड्डन को घबराया हुआ देखकर तूफान में से आवाज आती है और एक परी गुड्डन को दिखाई देती है। घबराओ मत बेटी, मैं जादुई परी हूँ और ये तूफान मेरा ही तूफान है। परी, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि कोई परी भी होती है, और ये आपको तूफान कैसे हो सकता है? तूफान तो खुद ही आता है ना, और आप मुझे क्या देने आई हो? आप तो मुझे जानती भी नहीं हो। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान देखा है और रातों को भूखा सोता हुआ देखा है। यह सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं अपने इस तूफान के साथ आई हूँ। इस तूफान में तुम्हें जादुई मेकअप किट देखने को मिलेंगे और तुम जितने चाहो उतने मेकअप किट ले सकती हो और उन्हें बेचकर तुम पैसे कमा सकती हो और इसी तरह तुम अपनी गरीबी भी मिटा सकती हो। आप सच में एक वरदान की तरह मेरे सामने आई हो। अब मैं आपकी इन मेकअप किट को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ और अपने माता पिता को भी खुश कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सहन किया है और मैं सबसे पहले अपने इस गांव को छोड़कर किसी और जगह जाकर रहूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता इस गांव में खुश नहीं हैं। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू सो मच। इतना कहकर गुड्डन अपने घर चली जाती है और परी अपने तूफान के साथ वापस लौट जाती है। गुड्डन के हाथों में बहुत सारी मेकअप किट होती है। जैसे ही गुड्डन अपने घर पहुंचती है, वो सारे मेकअप किट एक कमरे में रख देती है और एक मेकअप किट उठाकर अपनी इच्छा मांगती है। हे जादू मेकअप किट, क्या आप मेरे लिए शहर में एक घर बनवा सकते हो? तो कृपया करके उस घर में हमें पहुंचा दो, क्योंकि इस गांव के लोग हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। गुड्डन के इतना कहते ही जादुई मेकअप किट गायब हो जाती है और सीधा जाकर शहर में गुड्डन और गुड्डन के माता पिता को एक अच्छे से घर में पहुंचा देती है। ये सब देखकर गुड्डन और गुड्डन के माता पिता बहुत खुश होते हैं और फिर उस घर में सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर गुड्डन दूसरी जादुई मेकअप किट उठाती है और फिर अपने लिए फिर से विश मांगती है। हे जादुई मेकअप किट, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक बहुत बड़ी मेकअप किट की दुकान खोल दो, जिसमें मेरे माता पिता मेरे साथ बैठकर मेरी मदद करवाएंगे और हम उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाएंगे और इस तरह हम खूब पैसे वाले हो जाएंगे। जादुई मेकअप किट वापस से गायब हो जाती है और फिर उसकी दुकान खुल जाती है। अपनी इतनी बड़ी दुकान एक शहर में खुलती हुई देखकर गुड्डन बहुत खुश होती है। उसके बाद गुड्डन ऐसे ही एक एक करके अपनी सारी इच्छा पूरी करती है और इस तरह गुड्डन की मेकअप किट गुड्डन का बहुत साथ देती है और गुड्डन एक पैसे वाली गुड्डन हो जाती है। और गुड्डन के माता पिता अब शहर में बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें किसी से दबकर नहीं रहना पड़ता है और उनका अपना खुद का घर होता है और खुद की दुकान होती है। अब गुड्डन को किसी के सुनने की जरूरत नहीं पड़ती और गुड्डन अपने मन से स्कूल जाती थी और वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई भी करती थी और अपने मन चाहे कपड़े पहनती थी। इस तरह गुड्डन बहुत हंसी खुशी रहने लगती है और गुड्डन की सारी परेशानी भी खत्म हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, राधेपुर गांव में रिधिमा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। रिधिमा बहुत ही मेहनती और नेक दिल थी। वो अपने गांव में ही सुगंधा नाम की एक महिला के दुकान पर सिलाई का काम करती थी और उसी के यहाँ किराए पर रहती थी। रिधिमा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अपने काम के साथ साथ स्कूल भी जाया करती थी। सुगंधा की बेटी शमिता बहुत ही आलसी लड़की थी।
वो घर का कोई काम नहीं करती और ना ही सही से पढ़ाई करती। शमिता बेटा, शमिता, क्या है माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, सोने दो ना। शमिता, 10 बजने वाले हैं, स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा, अब उठ जाओ। शमिता मुंह बनाते हुए उठकर फ्रेश होने चली जाती है, तभी वहाँ रिधिमा आती है। आंटी जी, कल के जितने भी लहंगे थे मैंने वो सारे सिल दिए हैं, बाकी के 2 लहंगे मैं स्कूल से आकर सिल दूंगी। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। कितनी समझदार बच्ची है ये, बिना माँ बाप के भी कितनी मेहनती और संस्कारी है, और एक मेरी बेटी है जिसे सोने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तभी शमिता नहाकर बाहर आ जाती है। ये अकेले अकेले आप किससे बातें कर रही हो? अपनी फूटी किस्मत से, जरा देख अपने ही घर में रहने वाली रिधिमा को, कुछ सीख उससे, कितनी मेहनती है वो और टाइम से स्कूल भी जाती है। और एक तू है जिसे दिन में स्कूल के लिए 10 बार उठाना पड़ता है। अरे मेरी प्यारी माँ, आपको पता नहीं है पढ़ाई करना कितनी मेहनत का काम है, और मैं पूरी रात पढ़ाई करते रहती हूँ, तभी दिन में नींद नहीं खुलती। रही बात उस गरीब रिधिमा की, तो उसे स्कूल जाना ही नहीं चाहिए, उसे घर में रहकर आपके साथ सिर्फ सिलाई करनी चाहिए, ये पढ़ाई लिखाई उस गरीब के बस की बात नहीं है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे नाश्ता? वो मैं बाहर से खा लूँगी, मुझे देर हो रही है, बाय माँ। रिधिमा और सुगंधा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब लंच में सभी बच्चे बाहर पार्क में घूम रहे थे, रिधिमा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थी। ये देखकर शमिता बहुत चिढ़ जाती है। रिधिमा, तू मेरी माँ तो घर में रह, ये पढ़ाई लिखाई तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है, अब उठ और आज छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं शमिता, तुम सब खेलो, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। शमिता गुस्से से वहाँ से आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, फिर एक दिन स्कूल का रिजल्ट आया। आंटी जी ये देखो मेरा रिजल्ट, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह रिधिमा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ आंटी, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरा खुद का एक घर हो, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ, ताकि मैं और लोगों की मदद कर पाऊँ। शाबाश बेटे, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। इतना बोलकर रिधिमा चले जाते हैं। तभी शमिता अपना रिजल्ट लेकर अपनी माँ को दिखाती है। रिजल्ट देखकर सुगंधा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुझे शर्म नहीं आती, इतने कम नंबर लेकर आई है? अरे देख जरा रिधिमा को, पूरे दिन मेरी दुकान पर काम करती है, फिर भी उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं। और एक तू है जो पूरी रात भर पढ़ रही थी, फिर भी तेरे इतने गंदे मार्क्स आए हैं। मम्मी मैं भी तो पूरी रात पढ़ाई करती हूँ, अब मेरे अच्छे नंबर नहीं आते तो मैं क्या करूँ? किसे बेवकूफ बना रही है तू, आज से तेरे सारे खर्चे बंद, एक भी पैसे नहीं दूंगी मैं तुझे आज के बाद। रिधिमा की तरह कमाकर खर्चा करना, तब समझ में आएगा तुझे मेहनत करना किसे कहते हैं। शमिता गुस्सा होकर कमरे से चली जाती है। इस रिधिमा की बच्ची ने मेरा जीना हराम कर रखा है, जब देखो मम्मी उसी के गुण गाते रहती है। इस रिधिमा का तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे यूं ही मम्मी से जिंदगी भर डांट खानी पड़ेगी। फिर एक दिन सुगंधा किसी काम से बाहर जा रहे थे। रिधिमा बेटा दुकान का ध्यान रखना, मैं शाम तक आऊंगी। और हाँ, वो सेठानी के लहंगे सिल गए हैं, उसे जरा हवेली पर दे आना। आप बेफिक्र होकर जाइए आंटी, मैं सारा काम देख लूंगी। शाबाश बेटा। सुगंधा के जाने के बाद सारा काम खत्म करके रिधिमा लंच के लिए घर जाती है। तभी मौका देखकर शमिता दुकान में आ जाती है और पूरे दुकान में आग लगाकर वहां से भाग जाती है। शाम को जब सुगंधा अपने दुकान में आती है, तब वो दुकान को जला हुआ देखकर माथा पीट लेती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, ये सब कैसे हुआ? तभी शमिता वहां आती है। माँ ये सब रिधिमा की बच्ची ने किया है, मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी और पूरा दुकान जला दी, और घर जाकर आराम कर रही है महारानी। सुगंधा गुस्से से अपने घर आती है तो रिधिमा सो रही होती है। आंटी आप तो शाम को आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्यों, मुझे जल्दी आते देखकर हैरान हो रही है? नहीं आंटी, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, वो थोड़ा ज्यादा थक गई थी ना आज, इसलिए आँख लग गई थी। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह माना था और उसका ये सिला दिया तुमने,
आखिर क्या मिला तुझे मेरा दुकान चलाकर? कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने ये सब करके? ये आप क्या कह रही हैं आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, इसी ने सब कुछ किया है। तुम्हारे जाते ही सारे लहंगे बाजार में बेचकर दुकान में आग लगा दी इसने। नीच कुल्टा, निकल जा मेरे घर से। दोबारा कभी इस गांव में दिखाई मत देना। निकल जा घर से। पर आंटी, एक लफ्ज नहीं, दफा हो जा यहाँ से। रिधिमा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो रो रही होती है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक चिड़िया का बच्चा रिधिमा के सामने गिरता है। बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये मर जाएगा बेचारा। मुझे इसकी जान बचानी होगी। रिधिमा उसे उठाकर अपने पास ले आती है और बारिश रुकने तक उसे अपने हाथ से ढक कर रखती है। बारिश रुकने के बाद वो चिड़िया बोलती है, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी लड़की। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? मैं परी लोग की चिड़िया हूँ। वो तो आज मैं पृथ्वी लोग पर फल खाने आई थी, तभी अचानक बारिश हो गई और मैं बेहोश होकर गिर गई। लेकिन तुम इतनी बारिश में जंगल में क्या कर रही हो? तब रिधिमा उस चिड़िया को सब कुछ बताती है। ये सुनकर वो चिड़िया कहती है, तुम खुद इतनी दुखी होते हुए भी मेरी मदद की, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मेरे साथ आओ। फिर चिड़िया रिधिमा को अपने साथ आसमान में ले जाती है, जहां उसे एक बहुत ही प्यारा जादुई लहंगों का घर दिखाई देता है। रिधिमा, ये जादुई लहंगों का घर है। इस घर में तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और इस घर की सबसे खास बात है, इसे तुम जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकती हो। आज से ये घर तुम्हारा है। धन्यवाद प्यारी चिड़िया, मुझे ये लहंगा घर आसमान में नहीं धरती पर चाहिए। मैं इसे अपने साथ धरती पर ले जाना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर रिधिमा उस लहंगे घर को अपने साथ पृथ्वी पर ले आती है। रिधिमा उस घर में बहुत ही खुशी खुशी रह रही थी और वो जादुई घर की मदद से बहुत से जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर रही थी। सभी रिधिमा की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी एक दिन सुगंधा शमिता के साथ रिधिमा के घर आती है। बेटी, हम लोग बहुत ही गरीब हो चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमारा सब कुछ बिक गया। हमारे खाने तक के हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरी कुछ मदद कर दो बेटी। अरे आंटी प्लीज, मुझसे मदद मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। आपने मुझ अनाथ को एक माँ की तरह पाला है। ये सब कुछ आपका ही है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आप लोग इसी लहंगे घर में रहना। ये सुनकर शमिता को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, आज हमारा ये हाल मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। और फिर सभी मिलजुल कर उस लहंगे के घर में रहने लगते हैं।